कुजूर इलेक्ट्रिकल्स में आपका फिर से प्यार भरा नमस्कार। आज हम लोग बेसिक बात करेंगे एपी फैन मोटर रिवाइंडिंग के बारे में। आप रनिंग के दो कॉइल और स्टार्टिंग के दो कॉइल को बिना कट किए हुए बहुत ही सरल तरीका से रिवाइंडिंग कर सकते हैं। यदि आपको डाटा मालूम नहीं है तो हम इससे पहला वीडियो में डाल चुके हैं। आप 34, 35, 36 नंबर वायर से बहुत ही सरल तरीका से रिवाइंडिंग कर सकते हैं। मुझे कॉमेंट में पूछा गया था कि 2 MFD से लेकर 3.15 MFD कंडेंसर आप कहाँ यूज कर सकते हैं। आप 34, 35, 36, 37 नंबर वायर में आप बहुत ही सरल तरीका से 2 MFD से लेकर 3.15 MFD कंडेंसर यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप 3.15 MFD कंडेंसर तब यूज कीजिए जब आपका फैन का स्पीड कम हो। उस स्पीड को बढ़ाने के लिए आप 3.15 MFD कंडेंसर यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि कैसे आप सरल तरीका से टेबल फैन के दो रनिंग के कोयल और दो स्टार्टिंग के कोयल को आप बहुत ही सरल तरीका से रिवाइंडिंग कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि यदि आप कोयल को जब वाइंडिंग स्लॉट में डालते हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि आप राइट साइड ही घुमाएं, आप लेफ्ट भी वाइंडिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 100% वर्क करता है ये भी। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे सरल तरीका से आप रिवाइंडिंग कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आप साइज सही होना चाहिए फैन का। यदि आपका कोयल का साइज सही नहीं रहेगा तो वो कोयल आपका बॉडी में टच करने लगेगा, इसलिए कोयल का साइज आपका सटीक होना चाहिए ताकि आपका फैन 100% सही वर्क करे। देखिए ये 24 स्लॉट एपी फैन का स्टेटर है। आपको यहाँ से इस छेद के बीच से नीचे आपको कोयल का साइज लेना है। देखिए इस तरीका से आप कोयल का साइज बहुत ही आसानी से ले सकते हैं। ये सबसे अच्छा तरीका है कोयल साइज निकालने का। यदि आपका कोयल का साइज सही रहेगा तो आपको वाइंडिंग करने में परेशानी नहीं होगी और आपका कोयल बड़ा नहीं बनना चाहिए। यदि आपका कोयल बड़ा बनता है तो आपका कोयल जो है वो बॉडी में सटने लगेगा जिससे बॉडी करंट आ सकता है, इसलिए आप कोयल का साइज को सही निकालिए ताकि आपको वाइंडिंग करने में परेशानी ना हो। इस तरीका से आप कट करके इसे कोभर हटा लीजिए और अच्छा तरीका से इसे जोड़ दीजिए ताकि आप रनिंग के दो कोयल और स्टार्टिंग के दो कोयल को बहुत ही सरल तरीका से रिवाइंडिंग कर सकते हैं। देखिए इस तरीका से आप साइज को निकाल लीजिए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं। देखिए ये जो स्टेटर है इसमें कहीं जॉइंट नहीं है। देखिए बहुत फिनिशिंग के साथ रिवाइंडिंग किया गया है। देखिए आप सेम इसी तरह से रिवाइंडिंग कर सकते हैं यदि आपका कोयल का साइज सही रहेगा तब। देखिए इसे अच्छा तरीका से टाइट कर लीजिए। ये बेंच भैंस है छोटा वाला। रनिंग का पहला कोयल को यदि आप वाइंडिंग स्लॉट में डालते हैं तो आपको बीच में 6 वाइंडिंग स्लॉट छोड़ देना है। 6 वाइंडिंग स्लॉट इसलिए छोड़ना है क्योंकि वो जो 6 वाइंडिंग स्लॉट है इसमें आपका स्टार्टिंग कोयल आएगा। स्टार्टिंग दो कोयल बनेंगे और रनिंग दो कोयल। रनिंग के दो कोयल और स्टार्टिंग के दो कोयल को सेट करने के लिए आपको वाइंडिंग स्लॉट 6 पीस छोड़ना पड़ेगा। देखिए यहाँ से यदि आप काउंट करते हैं यहाँ से तो आपको 2 स्लॉट छोड़ के बीच में 6 स्लॉट छोड़ लेना है। देखिए इस तरीका से आप छोड़ सकते हैं। और आपको यदि ध्यान में रखना बेसिक ज़रूरी है, यदि आप थोड़ा सा कोयल को छोटा बना लेते हैं तो आपको वाइंडिंग करने में परेशानी हो सकती है, इसलिए आप कोयल का साइज सही निकालिए ताकि आपको वाइंडिंग करने में कोई परेशानी ना हो। देखिए आप बहुत ही सरल तरीका से रिवाइंडिंग कर सकते हैं इस तरीका से। देखिए इसमें हम लोग डाल देते हैं यू पेपर, कितना आसान है वाइंडिंग करना। देखिए इस तरीका से इधर भी आप सेट कर लीजिए। आपको ध्यान में रखना अभी बेसिक ज़रूरी है। देखिए अभी आपको कोयल को किस तरीका से घुमाना है। कोयल को आप अच्छा से सेट करने के बाद खींच लीजिए थोड़ा सा, यदि आपका कोयल सही नहीं आ रहा है तो स्टार्टिंग कोयल बैठाने में कोई परेशानी ना हो। आपको कोयल को घुमाना है इस तरीका से। देखिए इस तरीका से कोयल को घुमाना है। यदि आप रनिंग के दोनों कोयल को लेफ्ट साइड घुमा रहे हैं तो आपको सारा कोयल को लेफ्ट साइड ही घुमाना है। यदि आप राइट घुमा रहे हैं तो आपको सारा कोयल को राइट घुमाना है, लेकिन आज हम लोग लेफ्ट घुमा रहे हैं क्योंकि हम लोग को आदत हो गया है काम कर करके कि हम लोग किस साइड काम करेंगे तो काम करने में ज़्यादा आसानी हो, जल्दी हो। देखिए कोयल को थोड़ा सा खींच लीजिए इस तरीका से ताकि आपको स्टार्टिंग कोयल बैठाने में कोई परेशानी ना हो। देखिए इस तरीका से आपको सेट कर लेना है। सेम इसी तरह से आपको रनिंग के दोनों कोयल को बैठा लेना है। सबसे पहले देखिए इस तरीका से आप रनिंग के दोनों कोयल को बैठा लीजिए। देखिए घुमाने का तरीका इसे पकड़ के इस तरीका से घुमाना है, थोड़ा सा बेंड कर लीजिए अब ताकि आपको वाइंडिंग करने में कोई परेशानी ना हो।
यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम आपको बताना चाहते हैं, देखिए यहाँ का जो फिनिश लीड है वो आपका सेकंड कोल का फिनिश से मिला है, तब जाके आपके पास दो स्टार्ट लीड बचा है। तो आपको सेम इसी तरह से रिवाइंडिंग करते करते आपको स्टार्टिंग कोल को भी बैठा लेना है। बहुत ही सरल तरीका से आप इसे बना सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं होती है। आप बहुत ही सरल तरीका से इसे रिवाइंड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें वायर कम रहता है और वाइंडिंग स्लॉट थोड़ा बड़ा रहता है, जिससे वाइंडिंग करने में कोई परेशानी नहीं होती। देखिए घुमाने का तरीका इस तरीका से, आप घुमा के इसमें अच्छा तरीका से डाल लीजिए। देखिए थोड़ा सा आप कोइल को खींच लीजिए, यदि आपको वाइंडिंग करने में परेशानी हो रही है तो कोइल का साइज को थोड़ा खींच लीजिए, ताकि आपको बैठाने में कोई परेशानी ना हो। अल्मीनियम वायर और कॉपर वायर में एक फर्क पाया जाता है। अल्मीनियम वायर जो है वो तापमान को सहने का क्षमता कम रखता है कॉपर वायर के अपेक्षा, तांबा वायर के अपेक्षा। इस प्रकार से आप पार्टीशन पेपर दे सकते हैं या कॉटन टेप को आप लपेट सकते हैं रनिंग कोइल में, पर हम लोग आज इसमें पार्टीशन पेपर दे रहे हैं जो लेदर पेपर है। रनिंग कोइल और स्टार्टिंग कोइल आपस में नहीं सटना चाहिए, यदि सट रहा है तो आप इस तरह से पीछे से रनिंग कोइल को थोड़ा उठा लीजिए, दोनों साइड, इस साइड भी उठा लीजिए, देख लीजिए एक बार कि आपका कोइल कहीं सट तो नहीं रहा है। यदि आपका रनिंग कोइल और स्टार्टिंग कोइल आपस में सटेगा तो आपका कोइल हिट होने का चांसेस 90% रहता है, इसलिए बीच में पार्टीशन पेपर दिया जाता है। इस तरीका से आप धागा को फंसा के टाइट कर लीजिए। देखिए धागा फंसाने का सबसे आसान तरीका जो है और अच्छा तरीका है वो इस तरीका से है। देखिए धागा नीचे से फंस के थोड़ा खींच लीजिए। देखिए धागा फंसाने का सबसे अच्छा तरीका यही है, इससे कोइल ज़्यादा टाइट होता है, आपस में नहीं बिछड़ता है। तो आप इसी तरीका को फॉलो कीजिए, देखिए इस तरीका को फॉलो कीजिए, ताकि आपको वाइंडिंग करने के बाद धागा लपेटने में कोई परेशानी ना हो और आपका कोइल सही तरीका से टाइट हो सके। देखिए इस तरीका से आप बहुत ही सरल तरीका से बांध सकते हैं एक साइड का कोइल को। सेम इसी तरह से आपको जिधर से आपका कनेक्शन लीड वायर बाहर आएगा उधर भी सेम इसी तरीका से आपको बांध लेना है। देखिए इस तरीका से थोड़ा खींचने के बाद आप इसे टाइट कर सकते हैं। देखिए इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा पूरा फिनिशिंग के साथ काम किया गया है, देखिए पूरा साफ है, कहीं जॉइंट नहीं है। सेम आप इसी तरह से रिवाइंड कर सकते हैं। देखिए इसमें दिया गया है इंसुलेशन एसिड, ये आपको मार्केट में मिल जाएगा, ये इंसुलेशन को हटा देता है, ऊपर का इंसुलेशन जो है पेंट है उसको हटा देता है। ये काम करने में बहुत ही मदद करता है। आप कोई भी काम करने के समय यदि आप उसे कोई चक्कू के मदद से या एमरी पेपर के मदद से उनका पेंट हटाते हैं, जिससे आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है, पर आपको इसमें नहीं करना पड़ेगा। देखिए पूरा साफ से हट जाता है। देखिए सेम उसी प्रकार से आपको इधर कनेक्शन का लीड निकाल लेना है इस तरीका से। तार को आप लपेट लीजिए। देखिए तार लपेटने का सबसे जो अच्छा तरीका है वो इस तरीका से है। देखिए यहाँ से आप इसे पूरा सामने से लपेटिए, देखिए इस तरीका से। ऐसा नहीं कि चार घुमरा पांच घुमरा लपेटने के बाद आप छोड़ दिए, वैसा नहीं करना है, आपको पूरा लास्ट तक लपेट देना है, देखिए इस तरीका से, ताकि आपका कोइल का कनेक्शन जो है वो लंबा समय तक सही रहे। देखिए आप इसे सोल्डिंग भी कर सकते हैं, इसका जो पेस्ट आता है अल्मीनियम पेस्ट उसे आप सोल्डिंग कर सकते हैं। अब हम लोग इसमें ले लेते हैं दो नंबर का स्लीविंग। देखिए इस तरीका से आप स्लीविंग को डाल लीजिए। रनिंग कोइल और स्टार्टिंग कोइल को आप आपस में ले जाइए, एक जगह जो कनेक्शन लीड आपका बाहर निकल रहा है आप उसे अच्छा तरीका से सेट कर लीजिए इस तरीका से, ताकि आपका कोइल सही दिखे और काम सही करे। इस तरीका से आप इस साइड भी धागा से बांध लीजिए। ये सबसे आसान तरीका है रिवाइंडिंग करने का
देखिए इस तरीका से आप धागा को पार कर लीजिए।